नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे झारखंड के वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि मैं झारखंड पहुंचा हूं। काफ़ी सारे वीडियो हमने यहां पर बनाए हैं और आज ऐसे ही मौका मिला एक स्नेक रेस्क्यू का, ब्राउन वाइन स्नेक। दोस्तों ये कॉमन वाइन स्नेक जो है, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, और इसका अलग होता है। ये ब्राउन वाइन स्नेक जो है ब्राउन दिखता है, जिसके कारण इसे ब्राउन वाइन स्नेक कहा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम जहर भी सेम है, पर्सनालिटी जो है वो भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। ग्रीन वाइन स्नेक भी इसी की तरह दिखता है, और ये पेड़ पौधों पर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं, और महाराष्ट्र में बहुत ही कम है, रेयर है, किस जगह पर मिलते हैं किस जगह पर नहीं मिलते। और ब्राउन वाइन स्नेक तो बहुत ही कम है, ग्रीन मिलता है हमारे इधर जी जी, तो लेकिन ब्राउन बहुत कम है, बहुत ही रेयर। ब्राउन वाइन स्नेक जो है ब्राउन दिखाई देता है, और ग्रीन वाइन स्नेक बिल्कुल पत्ते की तरह ग्रीन दिखाई देता है। दोस्तों इसकी पहचान आप देख सकते हैं, उसका मुंह जो है पत्ते की जैसे दिखता है, लेकिन ये ब्राउन होने के कारण आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ब्राउन होने के कारण आपको लकड़ी जैसे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, इस लकड़ी पर हमने इसको रिलीज किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा लकड़ी कौन सा और सांप कौन सा है ना। अगर सामान्य इंसान कोई यहाँ पर आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये सांप बैठा है। जब इसके सामने जी जब हम जाते तभी अपना मुंह खुला देता है सामने वाले को डराने के लिए। दोस्त यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ही मजा आया। और मुबारक जी से मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों कि इसके बारे में और जानकारी बताएं। साथियों, इसके मुंह के ऊपर जबड़े की अंदर ये जो दिख रहा है, दो ठो विष दंत है, दो हाँ, लेकिन सेमी वेनमस है, हल्का विषैला है, बट नॉट अ डेंजरस ह्यूमन। ये बच्चों को जन्म देता है, अच्छा, अंडा नहीं देता है, और इसे हम ब्राउन वाइन स्नेक के नाम से जानते हैं। और ये खास करके छिपकिल्ली और फॉरेस्ट का फ्रॉग को ये बड़ा आसानी से खा लेता है। फॉरेस्ट का फ्रॉग लिजर्ड्स को बड़ा आसानी से खा लेता है, और इसके करीब कुछ कोई चीज जाता है तो ये हमेशा मुंह को खोल के डराने का प्रयास करता है। मतलब ऐसा है कि उसका कि सामने कोई न जाए, इसलिए वो डराता है। हाँ हाँ, लेकिन साथियों ये ध्यान में रखिए कि इसका अगर बाइट हो जाए तो फिर ये मत सोचिए कि बट नॉट अ डेंजरस ह्यूमन। आप डॉक्टरी सलाह लो, मेडिसिन का सहारा लो। खास करके हमारा झारखंड में भूरा लता सांप और ब्राउन वाइन स्नेक, और बहुत सारे लोग इसे सादा लाउडोगा के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है साथियों, उसे उसे नाम चेंज होता है। तो बहुत ही प्यारा है। आज हम और आकाश सर रिलीज करने आए हैं बहुत सारे सांपों को, तो अब आकाश सर कुछ और बताएंगे। दोस्तों फिर एक बार इसका नाम बता रहा हूँ, ब्राउन वाइन स्नेक, और ये ग्रीन वाइन स्नेक की प्रजाति का है, लेकिन ये ब्राउन होता है। ये दोनों ही एक ही प्रजाति के हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही पहचान आसान है इसकी। नाम फिर एक बार बता रहा, ब्राउन वाइन स्नेक, और महाराष्ट्र में इसे ब्राउन कलर का हरनटोल कहा जाता है। हरनटोल हाँ, ग्रीन वाइन स्नेक को हरन, जैसे जैसे स्टेट वैसे वैसे नाम सर चेंज हो जाता हाँ। है, लेकिन इंग्लिश में जानो तो अच्छा रहेगा, ब्राउन वाइन स्नेक हाँ, मतलब कहीं भी आप हल्का विषैला हाँ। दोस्तों अभी इसको हम यही पर रहने देंगे, अपने आप पर्यावरण में चला जाएगा। बहुत सारा फॉरेस्ट है, ये इसके पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ है, मुश्किल से 100 मीटर का भी दूरी नहीं होगा, वहाँ ये हमेशा के लिए परिवेश में चला जाएगा, क्योंकि इस प्रजाति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रियर स्पेसिस द इंडिया जी, सही बात है। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आपको इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, और भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मुबारक स्नेक से और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो अपनापन है, प्यार है, इस प्यार इतना लोग दिए हैं कि आज का डेट में लगभग 6.5 लाख जैसा सब्सक्राइबर है, और हमारे बड़े भैया का लगभग 26 लाख सब्सक्राइबर है। ये इसको जाने देंगे हम लोग, और इसको छूने वाले भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जय भीम, जय शिवाजी, शिवराय और वंदे मातरम।